हमारी मांगे पूरी हो, जो जो मजबूरी हो, हमारी
मंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बैक प्रतिष्ठियों को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। देवरिया में कम्बल बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। कम्बल बांटना बंद करो, प्रतिष्ठियों को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। जिसके भी पास मोबाइल है सोशल मीडिया का यूज करे, रात बैठे बेकार नहीं जाना चाहिए, आपकी आवाज उठनी चाहिए और साथ निर्णय भी आना चाहिए। लाइव है चाहिए, बहुत सारी पार्टियां आएंगी, तुम्हारी फिर से फायदा लेंगे, लेकिन तुम्हारा एक ही डीएलएड प्रतिष्ठु हो, तुम्हारा डीएलएड का संगठन है और तुम फैक्ट प्रतिष्ठु हो, अब तुम प्रमोट चाहते हो। तुम्हारी लड़ाई सरकार से केवल इतनी है कि तुम्हें केवल प्रमोट होना है। आप सभी साथियों को अवगत कराता हूँ, अभी रजत जी की टीम के द्वारा ये सीआरटी बनी देशालय बेसिक शिक्षा पर गए थे, जितने भी टीम प्रतिनिधित्व गई थी और वहाँ पे आश्वासन दिलाया गया है कि आपके बैच को प्रमोट किया जाएगा, 24 घंटे का समय मांगा है। इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं सचिव जी से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ 500 प्रशिक्षु रुके हुए हैं, किसी प्रशिक्षु को यदि सर्फ काटा इको गार्डन में तो ईट से ईट बजा देंगे, ऐसी गाड़ी पे बीएनपी हिला देंगे, आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देवरिया में कंबल बांट करके जो बात है उसको बंद करके इको गार्डन में आइए और प्रमोट प्रशिक्षुओं की बात को सुनिए, उसको प्रमोट करके अपने आकर के इसको भी वीडियो में डालिए। आपने फ्रेश वालों के लिए स्पेशली लाइव आए थे तो क्या बैग प्रशिक्षु के जीवों को जारी करने में शिक्षा मंत्री का हाथ नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? तो शिक्षा मंत्री जी, बैग प्रशिक्षु वाले साथ नदेश में क्यों पीछे हैं आप और क्यों देवरिया भाग रहे हैं, क्यों गोरखपुर भाग रहे हैं? आज तक बजे होने वाली मीटिंग में मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि बैग प्रतिष्ठियों का एक सवाल है, इनके साथ अहित होगा तो लखनऊ में से 10 गुना भीड़ होगी, लेकिन जाएंगे नहीं, जाएंगे तो बैग प्रतिष्ठियों को प्रमोट करवा के जाएंगे। और शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं, यदि आप प्रमोट नहीं करते हैं, परसों रात 11 बजे से सभी प्रशिक्षु घर को छोड़े हैं, अब आपके घर पहुंचेंगे, आपके बीबी बच्चों को बाल लिया जाएगा यदि प्रमोट नहीं होते हैं। जिस तरह से, अरे आपकी बेटी है, आपकी बीबी है, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी है, इनके बारे में भी सोचिए, उन्हें ऐसी मिले के मत सोचिए। और किस तरह से महिला प्रशिक्षु को, तो महिला प्रशिक्षु को कस्टमर पुरुष के द्वारा माना जाता है, दम होते फिर छोका दिखा दीजिए। छात्र समाज से कोई सभा में आंदोलन बोले तो आप कह रहे शिक्षा मंत्री बेटे जी कि बीटी से क्या स्टूडेंट क्या कहते हैं, आप अपने घर की बेटी की रक्षा करते हैं, उन्हें कहीं छोड़ते जाने के लिए लग्जरी गाड़ी देते हैं,
एक अपना जनरल भी बैठा देते हैं कि मेरी बेटी को कहीं दिक्कत ना होने पाए, लेकिन ये भी तो आपकी बेटियां हैं, इनके लिए आपने क्या किया है? आपने किया है, आपने किया है लखनऊ से पुलिस कांस्टेबल के द्वारा घिरवा करके इको गार्डन में लाने का काम किया है। शिक्षा मंत्री जी फिर कह रहे हैं, यदि आप शिक्षकों की बात नहीं सुनते हैं तो आप शिक्षा मंत्री का पद छोड़ करके स्टार प्रचारक बन जाइए और कंबल बाटिया जाकर डांस भी करिए। आज तो शायद शिक्षा मंत्री का पद शोभा नहीं देता, आप हमेशा गलत बयान देते रहते हैं। लिस्ट आती है कुछ और, डाटा डाल देते हैं कुछ और, जिला है कुछ और डाल देते हैं ठंड जिला। अगर नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री का पद, कहे वहां बैठे कम्बल बांटिए, डोर टू डोर जाइए, अपना प्रचार करिए, आपको चुनाव लगा है तुम्हारा वहाँ गंगा नदी जाना है, इनके आवास के बगल पर 90,000 प्रशिक्षुओं की बात है भविष्य की जिंदगी, इनको छोड़ करके आप कंबल बांट के रासलीला में चलो। यदि आप नहीं समझते हैं और इस वीडियो को आप देख भी रहे हैं, शायद आप लाइव आ करके अपनी बात को शेयर करते हैं, उस वीडियो में तमाम कमेंट भी पढ़ते हैं, अरे साहब अगर आपको दो चश्मा से नहीं दिख रहा है तो चार चश्मा लगाइए। और आज का पद छोड़ करके शिक्षा मंत्री से अंधा कानून मंत्री आपको क्योंकि आप नहीं देखते चाहे जाके रोड पर सोए, चाहे इनको सर्प काटे या पिट्ठू काटे। अरे डीएलएम इतनी मेहनत से होता है कि एक एक पसीना बहता है और हर पसीने में पिट्ठू के इतने डंक में जहर नहीं है कि डीएलएम वालों को चढ़े, इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय काटने का वाला दर्द नहीं जरूरी है, प्रमोट वाला जरूरी है, इसलिए प्रमोट करवाओ। चार बंडल गुड नाइट लेते हैं, ठीक है जितने भी प्रशिक्षु साथी हैं मैं फिर से काट के बच्चा दिला हूं, नहीं चार बंडल वही चार पे दो बंद करो, चलाओ बैठी ना चलाओ। और शिक्षा मंत्री जी आप देखे होंगे कि आज एनसीईआरटी में कुछ बहने गई थी अपने बात को लेकर के एनसीईआरटी पर, वहाँ पे रो रही थी, आप मास्क का फायदा उठा करके अंदर अंदर हंस रहे थे। अरे आपके अधिकारी खुदा योग्य है, वो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विकास करेंगे, उनको समय मिल जाए वो रास लीला करने के लिए। अंधा कानून मंत्री, कंबल मंत्री, सुबह तक इतना नाम हो जाएगा कि जितने बजरंग बली के उपनाम है इतने अच्छा दिया। अतः आप अपनी छवि बचाने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एटा भी बच्चे भी शिक्षु बैठ है, घर जाएंगे तो शायद गाड़ी की कूट जाएगी, क्योंकि ये बच्चे जो है डीएलएड के जब डीएलएड करते हैं कॉलेज के द्वारा शोषण होता है, टाइम से न पहुंचे तब शोषण, प्रैक्टिकल फीस पे शोषण, टीचिंग लेटर पे शोषण, हर जगह शोषण, ये शोषण सहते सहते आए हैं, लेकिन अब शोषण नहीं कह रहे क्योंकि ये जागरूक है अब।
आप नियम कानून को जानते तो आप पहले उठा करके जितना जल्दी हो सके पीटीसी का एनजीओ पढ़ लीजिए, उसको सही से दो तीन बार पढ़ लीजिए। शायद आपको समझ में नहीं आता है तो अपने पीओ से पढ़वा करके सुन लीजिए, शायद आप सही से पढ़ भी नहीं पाते। इस तरह से आप पहले पीटीसी के एनजीओ को जानिए कि एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में फेल होने पर शिक्षकों को सेमेस्टर ब्रेक नहीं दिया जाता। अरे शिक्षा मंत्री जी, ये कहाँ का कानून है कि एक सब्जेक्ट में फेल है जो दो सेमेस्टर इनका पीछे बैक सेमेस्टर हो जा रहा है। अपने सिस्टम को आप सही कर लीजिए या तो अपने आप को सही करिए। और मैं आपको बता देता हूँ, आज चाहे जहाँ इस समय है, अगर हमें प्रमोट नहीं किया गया तो फिर आप घेराव इतना भारी होगा कि शायद आपके गाड़ी के चक्के से किसी की आत्महत्या हो जाए, आपके ऊपर धारा मुकदमा लग जाए। जिस तरह से बहन प्रशिक्षु जा करके आज रोई है, अपने परिवार को छोड़ करके आई है, दो तीन बहनें यहाँ पे हैं जो अपने छोटे छोटे नवजात शिशु को चार या पांच महीने को छोड़ करके आई है। अरे शायद क्यों सोते हैं, मर जाना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। अगर आप बात करते हैं, आप में इंसानियत है और कहते हैं कि मैं विकास की बात करता हूँ, मैं योग्य हूँ, तो इसको सुनिए। और जो योग्य छात्र यहाँ पे बैठे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, इनको आप प्रमोट करा दीजिए, इसी में आपकी भलाई और गुंजाइश है। Thank you.